नमस्कार। भूसे को भिगाए हुए 18 घंटे हो गए थे। 18 घंटे पानी में रहने के बाद में भूसे को हमने बाहर निकाल लिया। भूसे को जितनी नमी चाहिए उतनी छोड़ करके उसमें उसके बाद उसमें बेवेस्टिन पाउडर मिक्स कर रहे हैं। सब ठीक है। इसको स्टरलाइज कर लेना आप। इसमें एक पैकेट हम तैयार कर रहे हैं जिसमें हम भूसा डाल रहे हैं और बीज डाल रहे हैं। वो किस तरह से डाल रहे हैं आपको बताते हैं। इसमें सबसे नीचे हमने ट्रे लगाई हुई है, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। और उसमें बेल्ट है और उसके साथ में हमने पॉलीथीन लगाया, थोड़ा भूसा डाला 1 इंच, और उसके बाद में साइड साइड में, बिल्कुल साइड साइड में हमने स्पॉनिंग करी, स्पॉन डाला यानी कि मशरूम का बीज डाला साइड में। इस बैग में 4 लेयर बनाई जाएंगी जिसमें 3 लेयर पे साइड में यानी कि कॉर्नर पे बीज डालेंगे और सबसे ऊपर वाली लेयर पे, 4th लेयर पे, हम सारे लेयर पे, पूरे उस पे लेयर पे स्पॉन डालेंगे। इसको रबर बैंड से भी बांधा जा सकता है जैसे बांध रहे हैं, और आगे हम आपको दिखाएंगे छोटी सूतली से भी इसको बांधा जा सकता है। ये बैग तैयार हो चुका है लटकाने के लिए। जैसे हमने पहले ही यहाँ पे बैम्बू लगा रखे हैं और उनमें कुछ लटकाने के लिए हमने जूट की सूतली लगा रखी है, अब उसमें देखिए किस तरह से हम लटका रहे हैं इसको। इसके पिन्स अभी मैं दिखाता हूँ नज़दीक से। इसके जो पिन्स हैं, मतलब ये जो होल्डर्स होल्डिंग करने के लिए, ये एक रस्सी में डालेंगे इस तरह से। ये नज़र आ रहा होगा अब आपको, ये इस तरह से लगाया जाएगा। और इसी के नीचे ही एक इसी तरह की दूसरी भी ये होल्डर पिन इसको मिल जाता है हार्डवेयर की दुकानों पे, ये दिखाई दे रहा है, जो ऐसे चाहिए अपन को। अब हम जितने भी बैग हैं सारे बैग आज वाले भर लेते हैं पहले। पॉलीथीन ट्रे बेल्ट सभी चीज़ें स्टरलाइज कर रहे हैं। एक बाल्टी में पानी लिया, उसमें थोड़ी फॉर्मलिन डाली थी, उसी से स्टरलाइज हो रहा है। जिस पानी से हमने सभी चीज़ों को स्टरलाइज किया था उसमें बेवेस्टिन डाल रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इस पानी में पहले से फॉर्मलिन है लेकिन थोड़ी फॉर्मलिन एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। थोड़े बैग हमने ट्रे और बेल्ट से बनाए थे, बाकी के बैग हम प्लास्टिक के रस्सी से बना रहे हैं और उनके ऊपर, जिन पे ऊपर या नीचे होल्डर्स नहीं लगे हुए हैं, उनको लगा रहे हैं। इस तरह से बनाने में खर्चा कम होगा, यानी कि हैंगिंग मेथड जो है हम 4 रस्सियों पे बनाते, वो हम सिंपल एक ही रस्सी में, प्लास्टिक की एक ही रस्सी से हम बना रहे हैं, जिसके बैक के ऊपर और नीचे एक एक होल्डर लगाना ज़रूरी है, वो अब हम आपको दिखाएंगे कैसे।
आज हमारे पास मुनीश जी आए। मुनीश जी ने हमारा चैनल देखा और हमसे फ़ोन पर बात करके हमारे पास आए। बीच में जो वाइट शर्ट पहन के मास्क लगा के जो हैं वही मुनीश जी हैं। आप सभी लोग अपने अपने तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आपके सपोर्ट और आपकी हिम्मत देख करके हम अपनी हिम्मत बना रहे हैं इस कार्य को करने के लिए। देखिए, ये मशरूम हम उगा तो लेंगे ही, और कितनी अच्छी उगेगी और कितनी ज़्यादा मात्रा में उगेगी ये अब आगे देखेंगे अपन लोग। आप सभी लोग अपना प्यार और अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें हमारे ऊपर, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक होगा। अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं नीचे और ऊपर से बहुत नज़दीक से। ठीक है, इसमें दवा इसको दबा दो, पानी में दबा दो। ये कल के बैग बनाने की तैयारी हो रही है। बाल्टी में जो हमने घोल बनाया था उसको अब हम डाल रहे हैं। निकालने लग गया पानी। ये मान लो कि इस तरह से होल्डर लगाए, ये हमने पहले ही बताया मैंने आपको, जैसे ये हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाते हैं। ये एक रस्सी में बांधा, एक ट्रे में बांधा, ऊपर ट्रे है, नीचे रस्सी है, बेल्ट है, बेल्ट वाले में ट्रे है। ये सिर्फ खर्चा कम करने के लिए किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।